इनेलो की परिवर्तन यात्रा होडल विधानसभा से होते हुए 11वें दिन पलवल विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। नेशनल हाईवे से निकल रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ है। 11वें दिन किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? अब आप होडल विधानसभा होते हुए पलवल विधानसभा में प्रवेश करेंगे? अभी तक कोई गांव कोई शहर कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें लोगों में एक अलग उत्साह ना नजर आया हो। आज मैंने पलवल में प्रवेश करूंगा। अब तक मेरे 5 विधानसभा क्षेत्र हुए हैं। हालात इस किस्म के हैं कि लोग इस इंतजार में हैं कि चुनाव आज हो। लोग अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो इनको तो सत्ता से बाहर कर ही देंगे, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे। हर हालत में लोगों ने फैसला करना शुरू कर दिया कि परिवर्तन लाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। बंचर गांव में जोरदार स्वागत हुआ और मरौली गांव में भी होली पर बहुत अच्छा आयोजन रहा। किस तरह का माहौल था? जनता क्या चाहती है? मरौली गांव में सारा गांव था, बच्चा बच्चा आया हुआ था और उन्होंने अपनी होली भी हमारे साथ खेली और उसके इलाजा पूरा विश्वास भरोसा दिलाया। पंचारी में तो रात को 9 बजे तो 3,000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें औरतें बच्चे सब, और मंदिर में प्रोग्राम था जो वहाँ पर बाबू जी का मंदिर है उसी में कार्यक्रम था। वो लोग तो कह रहे हैं कि 24 में जब भी यहाँ बदलाव आया इसी गांव से शुरू हुआ और उन्होंने कहा हमने तो आज से तय कर दिया कि हर हालत में परिवर्तन कर देंगे। सरपंच पर क्या कहोगे? जिस तरह से अस्पतालों में भर्ती हो गए सरपंच, गिरफ्तार कर लिए गए, तो ऐसे में सरकार ने इस तरह 9 तारीख का टाइम दिया है, ये पहले आके सीएम को बात करनी चाहिए, 9 तारीख को उनको बुलाना चाहिए। जो पहला मुख्यमंत्री है उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि कोई त्योहार के दिन आप उनको अपने घरों में भेजो, जाओ तुम अपना खुशियों से त्योहार मनाओ। ये 9 तारीख के बाद किसकी बात मानेगा, उससे पहले मान लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसको मानने में? लेकिन क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति है नहीं, इसको पता ही नहीं इन बातों का, और इन लोगों को तो क्योंकि सारी उम्र खुद परेशान रह जा रहे तो लोगों को परेशान करने में मजा आता है। ये परिवर्तन यात्रा क्या पूरी तरह से परिवर्तन लाएगी? अगले चुनावों में परिवर्तन होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर? आपको क्या लगता है? नहीं होगा? तो होगा, हर हालत में होगा। विरोधियों से पूछो वो बताएंगे होगा कि नहीं होगा। इनकी जबान बहुत चला करती थी, कितनी लंबी जबान हुआ करती थी, अब कहीं बोलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियों से जो कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से कारवा बढ़ेगा और कितने नेता ज्वाइन कर सकते हैं आपकी पार्टी को? कार्यकर्ता नेताओं की बात ही नहीं, तो गांव के गांव कस्बे के कस्बे ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा नहीं किन गाँव में हमें 10-10 वोट मिले थे, आज गाँव का गाँव हमारे साथ खड़ा है। 100% गाँव हमारे साथ है, बड़े बड़े गाँव के। अब रात की बात है, बंचारी बहुत बड़ा गाँव है, एक तरफा माहौल था, सारा गांव हमारे साथ था। चुनाव में इसी बंचारी में मेरे ख्याल हमारे कैंडिडेट को 200 वोट भी नहीं मिले। अब की बार इतना बड़ा बदलाव है, याद चुनाव हो जाए 100% एक तरफ वोट पड़ेगी। तो हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जिनका कहना है कि ये हरियाणा की जो परिवर्तन यात्रा वो निकाल रहे हैं, निश्चित तौर पर हरियाणा में परिवर्तन होगा। वहीं उन्होंने जिस तरह से सीएम जो टाइम नहीं दे रहे, 9 तारीख को टाइम दिया नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सीएम को तुरंत लाभ से जो सरपंचों को मिलने का टाइम देना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि होली पर ये अपने घर जाए त्यौहार मनाए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि होली पर कुछ जिस तरह से परेशान किया जा रहा है सरपंचों को। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह का जो रुझान लोगों में दिख रहा है, परिवर्तन लोग चाहते हैं और नए नए लोग आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा माहौल है इनेलो का, इसलिए वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनेलो की सरकार बनेगी। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।